अहमदाबाद पे, अहमदाबाद के अंदर वारज एरिया के अंदर आया हुआ ये पतंग बाज़ार है। गुरुकुपरा पतंग भंडार लिखा हुआ है गुजराती में। केंद्र ये देखो डोरी तैयार हो रही है पतंग के लिए, और ये सब सूख रही है। ये पूरा बाजार पतंग का यहाँ पे लगा हुआ, अलग अलग पतंग की शॉप, अलग अलग डोरियाँ। बहुत महंगे हैं, 450 या 600 रुपये के 20 पतंग से लेके 60 रुपये तक 20 पतंग मिलते हैं यहाँ पर। और डोरी की जो आती है रिल जो बोलते हैं फिरकी जो, जिससे वो ये इस पर डिपेंड है कि कैसे कितनी डोरी है। अरे सुबह उसे एक 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 का नहीं भरे नहीं, यूट्यूब चैनल से YouTube चैनल सुबह से थैंक यू ना 550 रुपये भी आ जाओ दे जाएगा। अरे बने नहीं जाते क्या कर 550 भी आ रही है 550 दे दी ठीक है ये 350 रुपये में बरेली मिलती है, और नॉर्मल डोरी भी 450 रुपये में। जैसी 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 डोर होती है वैसा इसका प्राइस है। ये देखिए अहमदाबाद के लोग बहुत ही पतंग के शौकीन हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर क्या नज़ारा होता है यहाँ अहमदाबाद के अंदर मकर संक्रांति मतलब कि काइट फेस्टिवल के दिन। ये डोर के ऊपर कलर हो रहा है इसके ऊपर अब ये रील्स है और वाइट कलर के, और उसको कलर करके उससे ये पतंग चगाते हैं।
लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल सब पतंग के ऊपर बहुत भाव है और दूर के ऊपर भी है। YouTube चैनल क्यों भाव से एक एक नहीं हो अलग अलग भाव सीएम से विशाल से अच्छा बसी रिया सर से नॉर्मल से आराम से दोरी ये तो भाव है। आज काइट फेस्टिवल के उत्तरायण का मकर संक्रांति का से पहला दिन है 13th of January। अभी तो दोपहर के करीबन 2:15 हैं। आप शाम को आओगे ना यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी आपको, इतनी भीड़ होती है। YouTube चैनल ये देखिए 14th of January मकर संक्रांति उत्तरायण काइट फेस्टिवल अहमदाबाद का नजारा। हर छत पे लोग, हर छत पे, और यहाँ अहमदाबाद के लोग काइट फेस्टिवल के इतने शौकीन है कि मत पूछिएगा। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब सुबह से शाम तक छत पे ही होते हैं। ये सुबह 6 बजे नहीं और ना धो के नाश्ता करके सीधा छत पे सुबह से, दोपहर को खाने के लिए ही नीचे जाते हैं फिर छत पे आ जाते हैं। इतने पॉपुलर है अहमदाबाद के अंदर काइट फेस्टिवल, लोग बहुत पसंद करते हैं काइट फेस्टिवल। और लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे भी लोगों ने काइट फेस्टिवल तो एंजॉय किया ही था। उसके पहले के साल में थोड़ी दिक्कत थी लेकिन तो भी लोग खरीद के तो लेके आए थे और काइट को पतंग को चगाया उड़ाया था। इतने शौकीन है यहाँ के अहमदाबाद के लोग की बात ही मत पूछिए। आप ये देखेंगे एक छत पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको कोई छत खाली है, पूरे छत भरे हुए हैं। और सुबह में आज शूट करने वाला था लेकिन सुबह में सनशाइन इतनी थी तो शूटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने एक दो बार शॉट्स लिए लेकिन अच्छे नहीं आए तो फिर मैंने रहने दिया। और हवा कारण पतंग फट भी जा रहे थे और लोग पतंग उड़ा भी रहे थे। अहमदाबाद के लोगों का मैंने गुजरात में कहीं और नहीं देखा है कि इतने पतंग के शौकीन हैं। मैं सूरत भी गया लेकिन यहाँ से कम है, करीबन यहाँ 100% है तो वहाँ 60% है। यहाँ तो कभी कोई कोई लोग रात को भी पतंग चगाते। ये देखो सूरज ढल चुका है और लोग पटाखे फोड़ने लगे। ये नज़ारा आपको करीबन 1-1.5 घंटे तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। पता नहीं चलता कि दिवाली है या काइट फेस्टिवल है क्या उत्तरायण है।
और स्पेशली कई कई लोग तो काइट फेस्टिवल उत्तरायण के लिए पटाखे सिटी में जाके लेके आते हैं। ये देखिए हर दिशा में आप देखो, सब दिशा में आपको पटाखे ही फूटते हुए नजर आएंगे। किसी भी नॉर्थ ईस्ट साउथ कहीं भी देखो, बहुत शौकीन है लोग। मैं अहमदाबाद के लोग काइट फेस्टिवल, आई मीन 14 जनवरी आने से 10 दिन पहले, हफ्ते से पहले तो लोग शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। पतंग का दोरियों का और दोर रंगाते हैं, इन्हीं को तैयार लेके आ जाते हैं। अच्छी आती है दोर भी, जैसी जैसी दोर वैसी वैसी प्राइस होती है। और पतंग भी इस साल बहुत महंगे हैं, आपने देखा है पहले हम पतंग बाजार में जब गए थे तब बहुत महंगे हैं, 420 से लेके 60 रुपीज से लेके 450 और 470 तक है काइट्स। ये देखो बहुत ही अच्छी, कॉन्स्टेंटली पटाखे फूटते हैं। अब शाम ढलने के बाद तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगता नहीं कि कहीं पटाखे नहीं फूटते, जिधर देखो वहां पटाखे ही पटाखे फूटते हैं और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। काइट फेस्टिवल एक अनोखा फेस्टिवल है ये, और दिवाली का फेस्टिवल देखो नजारा कितना खूबसूरत है। लोग पैसे की परवाह नहीं करते, अपने खाने में या कुछ बाहर जा या पिक्चर देखने में या मूवी फिल्म देखने में या कुछ भी कहीं जाने में पैसा खर्च करने से सोचेंगे। लेकिन काइट फेस्टिवल आता है तब तो हर एक घर में खैर से 2-3 हजार रुपये स्पेंड मनी, 2-3 हजार डिपेंड्स कितने मेंबर्स हैं फैमिली के लिए। और पटाखे लाए वो अलग, पटाखे सस्ते नहीं हैं, पटाखे महंगे महंगे हैं पटाखे। ये देखिए तो आप इस पटाखे को एंजॉय कीजिए वीडियो आगे। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द पटाखा, पटाखे के नज़ारे एंजॉय कीजिए। थैंक यू।